वेलकम टू एग्जाम एक्सेस साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सीजीएस का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब इसका एडमिट कार्ड आएगा, कब इसका एग्जाम होगा। चलिए हम एक एक बात को डिस्कस करते हैं और पिछले दो वर्ष इसमें क्या हुआ था इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही अजीबोगरीब सिलेक्शन हुआ था, उसका हम डिस्कशन आपके सामने जरूर करने वाले हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं इसका कब आता है नोटिफिकेशन। तो इसका नोटिफिकेशन मार्च के पहले ही दिन आपको देखने को मिलेगा और पूरे मंथ तक इसका चलता है ऑनलाइन प्रोसेस। ठीक है, ऑनलाइन आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सब कार्य करेंगे, एक माह तक चलता है। और आखिरी यानी अप्रैल के 7 दिन इसमें करेक्शन करने का भी आपके पास समय रहता है। अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम सेंटर कहाँ जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे प्यारे साथियों, ये ऑल इंडिया आप कहीं से भर रहे हैं तो आपको बनारस में ही एग्जाम देने के लिए आना पड़ेगा। ठीक है, कहीं से भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको बनारस में ही आना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। अपने कैंपस में ही बीएचयू कराता है, बाय द वे ही बनारस में ही भेजेगा तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेज सकता है, लेकिन अदर डिस्ट्रिक्ट में इसका कहीं पे सेंटर देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद बात सेकेंड पॉइंट है हमारे कि इसका एडमिट कार्ड और एग्जाम कब होगा। तो दोस्त, इसका एडमिट कार्ड परीक्षा के पूर्व ही आ जाता है, तो आखिर में परीक्षा कब होती है? तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, इसका परीक्षा मई में, मई लास्ट में होती है और आपका जो एडमिट कार्ड है वो परीक्षा से 7 दिन पूर्व रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो पिछले वर्ष क्या हुआ था, थोड़ा पिछले बार की बारे में बात करते हैं। तो पिछले बार 10th के बाद जो 11th में एडमिशन के लिए गए थे उनका मेरिट पे हो गया था, और जो 6th और 9th के लिए थे उनका लैटरी सिस्टम लगा हुआ था। कि मान लीजिए कि आपका सॉफ्टवेयर चढ़ा दिया गया है और जिसका मतलब एक तरह से मान सकते हैं लैटरी जिस तरह से निकालते हैं ना, कि असिस्टेंट रैंडम किसी भी नाम को सिलेक्ट कर लेना, रैंडम किसी भी नाम को सिलेक्ट करना, ये पिछले बार का प्रोसेस है क्योंकि उस समय कोविड का केस था। लेकिन इस बार कोविड हमारे हिसाब से नहीं है और मई में हमारा एग्जाम भली भांति अच्छे से हो जाएगा। दोस्त, अब किसी प्रकार की सैनिक रिलेटेड, सीएचएस रिलेटेड, जेएनबी रिलेटेड और हर प्रकार के 6 और 9 के स्तर के विद्यालय के जो कि एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं उनकी जानकारी की खबरें यहाँ पे पल पल की आपको मिलती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। जय हिंद।